अस्सलाम वालेकुम। लो जी, मशहूर मारूफ मरियम 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 जड़ी रात को पहुँच गए सी। पहला रोज़ा वे और असी रोज़ा रखा सी हैदराबाद वेच, और खोलना वे असी कराची। देखो भी साइंस ने कि तरक्की कर ली है कि इंसान कितने तक कितने पहुँच जाता वे। तो रोज़ा खुलने वाला बिल्कुल बर्तन शत्तर लग रहे ने, बच गए सारे। चलो भी रोज़ा खोलने सारे। रमज़ान मुबारक। रमजान मुबारक बोल दो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं यूसुफ? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। रमजान मुबारक यूसुफ आपको। रमजान मुबारक सबको। रमजान मुबारक सबको हमारी तरफ से। रमजान मुबारक। यूसुफ आप इंग्लैंड को मिस कर रहे हैं? डू यू मिस इंग्लैंड? डू यू मिस चाचू यासिर, नन्नो, राफे, एवरीवन? So, do you want to go back to England? I do. But I want to see Qatar first. Then I'll think about going back. Then you think about going back. Okay. Yeah. हाँ भाई, की तासरात है रमजान? कैसा शुरुआत कैसी हुई है रमजान? अच्छी हुई है। अच्छी तो वैसे अल्लाह ने माफी दे दी है। ये है हमारा गोल गप्पा। शबो नशीबों वाली आई जनाबे आली। मरियम कैसा रोजा गुजरा? अच्छा। मरियम मेरी आज बीमार हो गई है। मरियम को बुखार हो गया है और उसका गला खराब हो गया, इसलिए मरियम आज थोड़ी स्लो है। तो भी गोलगप्पे दे नाल अलविदाई लम्हात साढ़े हो रहे ने, गुजर रहे ने। गोलगप्पे की खाला भी इसको छोड़ने के लिए आई है अलविदा कहने के लिए, और हम लोग भी सारे तैयार हैं। तो यूसुफ लोग कतर के लिए बस फ्लाई करने वाले हैं। हम लोग पहला रमज़ान मुबारक है और हम लोग रोज़ा खोल के फारग होकर बैठे हैं। खीर शीर खा लिए, समोसे खा देने, और बड़े जी रोज़ा बड़ा अहतमाम के नाल पहली सहरी भी बड़े अच्छे असी खाधी। हैदराबाद की थी पहली सहरी, और उस तो बाद जड़ा असी इफ्तारी की थी वो कराची की थी है। तो बहुत ही मज़ेदार इफ्तारी हुई है। तो हूँ बस इन्हें रवानगी में थोड़ा ही टाइम रह गया वे। तो मैं सोचा बच्चों के नाल तुहानू थोड़ा जिहा मुलाकात करा देव। गोलगप्पा देख लो भाई, गोलगप्पा। बैग ही बैग तुहानू नजर आन गए। बैग दिखा देनी है तुहानू। ए देखो जी बैग। हर तरफ तुहानू बैगां दी बहार नजर आ जाएगी। अज फिर अपने मोहल्ले पहुंच गई, अपने पुराने मोहल्ले, अपने अभाई घर, अपने अबू दे घर पहुंच गई, और बड़ियां यादां वही फिर मेरे दिमाग में आ गई। और बड़े अरसे बाद, यकीन मनो पता नहीं किन्ने एक अरसे बाद मैं इतने रोज़ा इफ्तार किया ना। कई साल हो गए, पता नहीं मैं याद भी नहीं कि किन्ने साल बाद मैं रोज़ा इतने हूँ अज सहरी खावगी। पहली सहरी जरा साड़ी हैदराबाद हुई है, लेकिन रोज़ा इतने इफ्तार किया। लेकिन मैं याद नहीं कि मैं अपने माँ प्यो के घर किन्ने अरसे बाद जड़ा ना अज रोज़ा इफ्तार किया। जिंदगी तुहानू कित्थे दे कित्थे लै जांदी है। उही घर जिथे तुसी खेडदे हो, पलदे हो, पढ़दे हो, बड़े हुंदे हो, फिर उही घर तुहाडे जिहड़े ने तुहाडे वास्ते इस तरह हो जांदे ने कि तुसी उत्थे आउण वास्ते तरसते हो, फिर तुसी उहनां नूं उहनां चीज़ां वास्ते तरसते रहते हो। तो मैं अज बड़ी खुश हाँ कि मैं अपने अबू दे घर, मेरे अबू तो नहीं ने, मेरी अम्मी भी नहीं ने, लेकिन अल्लाह ताला जिंदगी तंदुरुस्ती दे, भरा दा घर है। तो मैं रोज़ा अच खोलिया वे, पूरी फैमिली ने असी रोज़ा खोलिया। बड़े अच्छे लम्हात ने मेरी जिंदगी दे। पता नहीं उस तो बाद कभी मैं इतने रमज़ान जड़ा वे रोज़ा खोलना है कि नहीं, दोबारा आ होना है कि नहीं होना, क्योंकि बड़े अच्छे जड़े मेरे यादा ने। मैं कि कहते उन्होंने नाल अपनी मेमोरीज में इजाफा किया। तो बस दोबारा खड़ी हाँ, तो मैं सफ़र की थकावट सी। फिर असं हैदराबाद तो निकले तो बारिश बहुत हो गई सी। इन्नी बारिश सी, यकीन मनो कि सानू पता ही नहीं सी जिस हैदराबाद तो निकले कि कराची इन्नी बारिश हो रही है। इतने पहुँचे तो पता चलिया कि
छप 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 होया पिया सब कुछ। तो मैं हैरान रह गई, मैं उसकी वीडियो भी बनाई है, मैं पर कल लावगी, हाले मेरे को एडिट का टाइम नहीं सी क्योंकि असं रोज़ा खोलने तो पहले पहुंचे या फिर थकावट थी, तो बस जल्दी जल्दी फिर रोज़ा खोलिया, फिर अपना थोड़ा जहा बच्चे कुछ बच्चिया तो तरावी वास्ते गई ने, भाई भी मेरा तरावी वास्ते चला गया, असं हूँ घर ही पढ़ा क्योंकि उन्होंने फ्लाइट का टाइम हो रहा इन्होंने रुखसत करके, तो असी फिर जरा भी अपना नमाज वगैरह पढ़ा। तो बस जरा निज़ाम देख के बड़ी अफसोस होया कि थोड़ी जी बारिश शहर का यह हशर हो गया कि लोग निकल नहीं सकते घर तो और ज़्यादा बारिश हो गई तो फिर डुब जाना। लोग हर साल बेचारे कलर करवाते ने छतों चो जा ने, लोग परेशान हो जाते हैं, पानी इन्ना ज़्यादा गलिया च आ जाता वे, लोगों के घर खराब हो जाते हैं, तो सिस्टम को देख के तो बड़ा ही दुख लगता वे। बहरहाल यह अपना मोहल्ला अपने लोग अपने उन्होंने आके बड़ी मैं खुशी हुई, तो फिर मैं मेरे वालों तुम सारियां रमज़ान उल मुबारक दी बहुत बहुत मुबारकबाद देनी हाँ क्योंकि मैं ऐसा सफ़र में रही ऐसा टाइम नहीं मिलिया, पर मेरे वालों बहुत बहुत मुबारकबाद सारियां। अल्लाह करे अल्लाह ताला रमज़ान उल मुबारक सब वास्ते आसानियाँ लेके आवे, असी इबादत करिए ते अपने अपने गुनाहों की बख्शिश भी करवा ली अल्लाह ताला को, थोड़े जे अल्लाह ताला साढ़े ते रहम फरमा दे अपना, तो वो रहम दे नाल ही सब कुछ है, बाकी वो रहम तो सिवा कुछ नहीं। बहरहाल वेखो मैं चल रही हाँ, फिर इंशाल्लाह मैं नाल तुहानू शामिल रखांगी, तो अज लई इन्ना ही, फिर मिलते हैं एक नवी याद दे नाल नवी गल दे नाल। ते रोज़े आ गए ने, किस्मत वाले उन्हां दिन मिलते ने, रोज़े जड़े सारियाँ खाओ तो रोज़े रखो तो बहुते बहुते सवाब कमाओ, फिर मिलने अल्लाह हाफिज़ ते रब रखा।